सो गाइज, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मेरा लेबर पेन जो मुझे स्टार्ट हुआ था ना, मतलब मैं परेशान ही हो रही थी। मुझे रह रह के ना बहुत, मतलब थोड़े थोड़े देर पे तो नहीं, आधा एक घंटा पे ना मुझे बहुत तेज़ पेन हो रहा था। जिस दिन मुझे एडमिट होना था ना, ये उस दिन की वीडियो है सुबह की। जब मैं सो कर ही उठी थी ना, तभी से मुझे पेन ना हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरीके का पेन होता है। तो इस वीडियो में ना मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, मेरे साथ में लेबर रूम में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही मतलब इधर उधर मुड़ के भी देख रही थी कि कहीं थोड़ा पेन कम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के लिए ठीक हो रहा था, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा था। और फिर ना वो और ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, मतलब वो उतना ही था। तो ऐसे ही मुझे पहली बार भी था ना, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, तब वहाँ का भी वीडियो आपको दिखेगा। तो लेबर रूम में क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ गई थी लेबर रूम में, तो वहाँ पे मैं बस चेकअप कराने गई थी, तो उन्होंने मुझे एडमिट ही ले लिया था। तो एडमिट लेने के बाद में ना, उन्होंने पहले तो पूरे मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए बोल दिए, मतलब सारे कपड़े ही चेंज हो गए वहाँ पे। हॉस्पिटल वाले ड्रेस में मैं आ गई थी, और जब मैं गई थी तो मेरे साथ में कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं खाली ऐसे ही चेकअप के लिए गई थी, ना ही एडमिट होने के लिए। मेरा भी डिलीवरी में टाइम भी था, मतलब 4 से 5 दिन का टाइम था अभी। तो वहाँ पर जब एडमिट होने के लिए मैं गई ना, तो वो लोग मतलब वहाँ पे पहले तो मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया। फिर अल्ट्रासाउंड करने के बाद में मुझे चेक किया गया कि मतलब ऐसे चेक होता है वहाँ पे, जैसे लेबर रूम में जाओगे ना आप, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही रूम में रहते हैं। मतलब 10-15 लोग थे मेरे पहले से एडमिट थे वहाँ पे, और वहाँ पर ना सबके सामने ही डिलीवरी होती है। मतलब कि आपको बताया नहीं जाएगा कि यहाँ पे क्या है, अलग से कोई रूम में नहीं लेके जाया जाएगा। जो है जहाँ पर है जैसे है वैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी, और आपको जो भी करना होता है, मतलब आपको इतना पेन होने लगता है ना जब आपका लेबर पेन चालू होता है ना। तो मेरा भी जो था लेबर पेन, और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो बिना एनेस्थेसिया की हुई थी, क्योंकि मेरा जो बहुत ही फास्ट हो गया था, और वहाँ पर मतलब बेबी बहुत जल्दी प्रेशर में बाहर आने लग गया था ना, तो मुझे एनेस्थेसिया भी नहीं दिया गया था। तो हॉस्पिटल में वहाँ पे खाना पीना भी मैं सब वहीं पर हो रहा था, तो वहाँ पे दे रहे थे वो लोग ही। तो काफ़ी वहाँ पे अच्छा था, पर लेबर रूम में खाना पीना बिल्कुल आप नहीं खा पाओगे। तो यहाँ पर मैं जो खाना खा रही हूँ ना, वार्ड में आने के बाद खा रही हूँ, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो वहाँ पर ना आपको 10 बार 15 बार चेक किया जाएगा, मतलब मुझे तो बहुत बार ही चेक किया गया था। फिर एनएसटी लगाते हैं, बार बार बच्चे की धड़कन चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो मेरे साथ में वही हुआ था। और आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पे डॉक्टर भी रहते हैं, मेल डॉक्टर, और वो भी डिलीवरी करवाते हैं। इनफैक्ट स्टिच वगैरह भी डॉक्टर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स होंगी, मेल भी रहते हैं। और तो और मैं ये भी बता दूँ, तो वहाँ पर ना जैसे कि बेबी को मतलब बेबी कैसे होता है ये चीज़ दिखाने के लिए स्टूडेंट्स लोग को भी बुलाया जाता है। तो बहुत आप मतलब वहाँ पे पूरा ही बेशरम हो जाना है जाने के बाद में। और आपको साए बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही थोड़ा सा भी शर्माओगे ना वहाँ पर, तो आपको पेन जो है ना वो और एक्स्ट्रा होने लगेगा। मतलब जो भी पेन आपको हो रहा है वो और ज़्यादा होगा। तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो फीड कराने का भी था, वो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने पहली बार जो ब्रेस्ट फीड करवाया था ना, वो मेरा मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो वाटर वाटर टाइप का आता है। तो वो मुझे डॉक्टर्स ने बताया, फिर वहाँ पर ही सब कुछ बताया। तो वहाँ पर बार बार चेक करने आते हैं आपके स्टिचेस वगैरह कैसे थे, सब कुछ हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर घर में आने के बाद का ये वीडियो है जो मैं लेकर आ गई थी इसे। मतलब डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स भी जो होते हैं ना, वो भी 40 डेज तक चलते हैं, और स्टेजेस वगैरह इतना ज़्यादा पेन होता है। वहाँ पे ऐसे सारे टैबलेट्स दवाई आपको मिल जाएंगे जो आप खा सकते हो, और जो
स्ट्रेसेस वगैरह जल्दी ठीक हो जाते हैं, वही सब है। और आपको बस अपना ख्याल रखना होता है। तो डिलीवरी रूम में और क्या क्या होता है मैं पूरा डिटेल्स वीडियो भी बनाने वाली हूँ। अभी ये वीडियो में छोटा सा था तो मैं इतने बता दे रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी प्रेगनेंट है।